सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम शांत सैनी, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज मैं आपको थोड़ा देशी और किसान हित के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये बताने जा रहा हूँ कि जितने भी आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, इंक्रीज हो रही है, डे बाई डे पेशेंट आ रहे हैं। मास्क वगैरह लगा के रखिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, इंप्लीमेंट का यूज करते हैं उसके बाद सैनिटाइजर का उपयोग जरूर कीजिए। पहले तो अपने किसान भाई सुरक्षित रहेंगे तभी फसलें उगेगी खेत में। और जो मैं आज का टॉपिक बताने जा रहा हूँ इरीगेशन के बारे में, कैप्सिकम के इरीगेशन और चिल्ली की इरिगेशन के बारे में। फ्रूटिंग साइज और फ्रूटिंग में और फ्लावरिंग में इरिगेशन बहुत जरूरी है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखो आजकल ये फ्लावरिंग स्टेज लगी हुई है कैप्सिकम में, तो तभी इरिगेशन करा रहा हूँ मैं। देखो लगी हुई है इरिगेशन फील्ड में, इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है। इरिगेशन के इस टाइम हम इरिगेशन देंगे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी और जो किसान भाई लोग हैं उनके जो प्रोडक्शन होगी है उसमें से लेस हो जाएगी, लेस एंड लेस प्रोडक्शन होगी किसान भाई लोगों को। इसलिए इस टाइम पे इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है, इरिगेशन दे इस टाइम पे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरी वीडियो आगे से आगे लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।